के अंदर आपका जो क्वेरी है उसमें मैं बोलना चाहूंगा कि देखिए, जरूर कहूंगा कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म का में स्टॉक ने डेफिनेटली अभी एक कमजोर प्रदर्शन पेश किया है, पर ये कंपनी ऐसी है जहां आपको लंबे समय तक के लिए टिके रहना होगा। लॉन्ग टर्म में स्टॉक काफी अच्छा पोटेंशियल रखता है और काफी अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है। और मैं पहले भी इसी शो में बताया है कि यहाँ पे आपको नजरिया लंबा रखना होगा। दो हिस्सों में आप यहाँ पे एवरेजिंग करें मैडम, एक अभी मौजूदा स्तर पे जो कि 235 रुपए के आसपास, और एक दूसरी एवरेजिंग आप 220 रुपए के आसपास करें अगर स्टॉक फर्दर डिप डिक्लाइंस दिखाता है तो। यहाँ पे आपको अल्टीमेट जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो 200 रुपए के साथ में रखना होगा वेदांता के अंदर, जो कि मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में बीच होगा। तो मेरा मानना है कि आप यहाँ पे एवरेजिंग करें दो हिस्सों में, एक मौजूदा स्तर पे, एक 220 के लेवल्स पे, 200 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में वेदांता के अंदर आप बने रहें और लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ में इसको रखें।